हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड रिज़ल्ट 2020 के रिगार्डिंग। कि बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, और बिहार बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। बस यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स ही पूछ रहे हैं सर कब तक रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी का जो टाइम है वो पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है, जिसके कारण पूरा देश जो है वो 21 दिनों के लिए लॉकडाउन हो चुका है। मतलब 14 अप्रैल के बाद अगर स्थिति सही रही तो उसके बाद जाके आपका सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होगा। तो इसी के रिगार्डिंग बोर्ड से एक नोटिफिकेशन आ रखा है, ठीक ना, उसी को देखते हैं कि रिज़ल्ट कब अनाउंस होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गोविंद सरकार और आप विजिट करें कॉन्फिडेंस मोड पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अब इसको न्यूज़ को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूपी बोर्ड 2020 यूपी बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई है, ऐसे में अब छात्र छात्राओं को परिणाम का इंतजार है। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2020 के परिणाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मई के अंत तक घोषित किए जाएंगे। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि रिजल्ट जो है इस बार आपके मई के लास्ट में आने वाला है, क्योंकि हर बार होता ये था कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट या 15 तक रिजल्ट्स आ जाते थे, लेकिन इस बार जो है आपका रिज़ल्ट बहुत लेट होने वाला है और ये रिज़ल्ट आपका मई के लास्ट में आएगा। ठीक ना, भारत में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश भर में अगले 21 दिनों के लिए राष्ट्रीय बंद यानी लॉकडाउन का ऐलान किया है। इससे पहले यूपी बोर्ड परीक्षाएँ 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मतलब 24 अप्रैल तक के लिए जितनी भी मूल्यांकन है, क्योंकि मूल्यांकन ही अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं बनेगा। तो जब तक मूल्यांकन कार्य खत्म नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते रिजल्ट कब तक आएगा। तो मूल्यांकन इसके बाद 14 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा, उसके बाद देखते हैं उसमें कितना दिन लगने वाला है। बता दें, राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 56 लाख विद्यार्थी उपस्थित हुए। सूत्रों के मुताबिक 10वीं और कक्षा 12वीं के 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड परिणाम 2020 आधिकारिक वेबसाइट्स upmsp.edu.in पर मई के अंत तक घोषित किया जाएगा। ये वेबसाइट्स हैं, इस वेबसाइट्स पर आप नोट कर लीजिए इसको, अभी वेबसाइट है upmsp.edu.in। यूपी बोर्ड परिणामों की घोषणा 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई है। मतलब जितने भी मूल्यांकन कार्य जो भी है वो सारे 21 दिनों के लिए क्या है, लॉकडाउन है, ख़त्म है, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये सारे वेबसाइट्स हैं। इन सारे वेबसाइट्स में आप अपना रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये भी वेबसाइट्स आप नोट कर सकते हैं, ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है, upmsp.edu.in, upresults.nic.in, upmsp.results.up.nic.in, ये results.nic.in, ये चार वेबसाइट्स हैं। इन चारों वेबसाइट्स पे आप अपना रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये कुछ नोटिफिकेशंस था यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना।